देव श्री गणेशा, देव श्री गणेशा। साल के वो 10 दिन आ चुके हैं जहां हर गली में आपको मिलेगा मंडल, और उस मंडल में छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक काम कर रहे होंगे। ऐसी कोई गली नहीं होगी, ऐसा कोई नुक्कड़ नहीं होगा जहां रोशनी नहीं होगी, क्योंकि गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तो बस क्या बोलो, गणपति बप्पा मोरिया। लालबाग की मान्यता बहुत है, हर साल इस मंडल में लाखों में लोग आते हैं। अगर आपको लालबाग आना है तो बस दो ऑप्शन है बॉस, एक आप क्यू में रहो और धीरज से वेट करो बप्पा के दर्शन के लिए, और दूसरा आपके पास कोई सॉलिड जुगाड़ होना चाहिए। हम गणेश उत्सव की बात कर रहे हैं और मुंबई का राजा के बारे में ही बात नहीं करेंगे तो मजाक थोड़ी ना चालू है, क्योंकि ये पंडाल बहुत ही पुराना है एंड दिस ईयर दे आर कंप्लीटिंग देयर 92nd एनिवर्सरी। तो आइए देखते हैं। प्राण है, हमारा श्वास है, और जैसे गणेश उत्सव नज़दीक आता है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक हम हो जाते हैं, और गणेश भगवान के स्वागत के लिए हर एक कोशिश हम करते हैं। राइट नाउ वी आर एट चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंदिर, और ये साल उन्होंने कंप्लीट की है सेंचुरी, दैट मींस कि उनके मंदिर को हो गया है पूरे 100 साल। ये मंडल जब शुरू किया गया था तब तकरीबन 20 से 25 लोग थे, एंड टुडे देर आर मोर देन 150 मेंबर्स। यू नो व्हाट इज़ द यूनिक थिंग अबाउट दिस मंडल इज, जो गणपति जी का आगमन है और जो विसर्जन किया जाता है इतने धूमधाम से किया जाता है, उस लेवल का धूमधाम, उस लेवल की एनर्जी शायद ही मैंने कहीं और विटनेस किया है। Lalbaughcha Raja is not only famous for its eco-friendly Ganpati, but they have been doing this since inception. Their Ganpati is made out of clay and the height of the Ganpati is 22 feet. Sirf yehi nahi, jo inki detailing hai na, itni precise hai na, ki bas kya bolu. Ganpati hi aapla hindunchi devata hai, jina apan pujaniya vandaniya manto hai. Apan aapla ayushyata Sri Ganesha, गणपतीपासूनच करतो, श्री गजानन लिहून, आणि कुठल्याही कार्याची सुरुवात ही गणपती पूजनानेच होते। लोकांपुढे एक आदर्श ठेवला आहे, शाडूची मूर्ती केली, आणि ही शाडूची मूर्ती 22 फूट उंचीची आहे। या मूर्तीला साधारणपणे 2 लाख रुपये खर्च येतो, पण गणपती हे आपलं दैवत आहे, ही आपली मूर्ती मातीची असावी, शाडूची असावी, अशी आपल्या हिंदू धर्मात संकल्पना आहे। अब हम दर्शन करने वाले हैं फोर्चा राजा, जो कि जाना जाता है टू रेप्लिकेट सम अमेजिंग थीम एंड दे गिव आउट वंडरफुल सोशल मैसेज। तो इस साल का उनका सोशल मैसेज क्या होगा, चलिए देखते हैं। दर्शन करने वाले जो भी इतने आते हैं कि मतलब 1-2 लाख का दिन का मतलब सुबह से लेकर शाम तक 1-2 लाख को पकड़ के। जब गणेश जी का उत्सव आता है हर कोई इको फ्रेंडली का नारा लगाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हर पंडाल ये नहीं कर पाता है। बट गेस व्हाट, हमने वो पंडाल ढूंढ लिया है जिन्होंने इस साल 22 फीट की इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति बनाई है, and all the colors that they've used is natural. Hey
खेतवाड़ी में टोटल 14 मंडल हैं, बट मालूम है सबसे ज़्यादा लाइन कहाँ लगती है? उनके 12 नंबर गली के मंडल में। वो क्यों? क्योंकि आप जैसे ही आते हो आपको दिखता है एक आलिशान सा सेट डिज़ाइन। यहाँ का जो सेट डिज़ाइन है, जैसे ही आप कदम रखोगे आपको लगेगा कि आप पैलेस में आ गए हो। बड़े बड़े झूमर, एसी, और यहाँ के जो गणपति जी हैं उन्हें कहते हैं खेतवाड़ी का गणराज। तो ये थी हमारी टॉप 7 पंडाल्स की लिस्ट। वेल, अब आप क्या देख रहे हो? लो अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, और जाओ दर्शन के लिए। लेकिन जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो बप्पा बुरा मान जाएंगे। और गणपति बप्पा मोरिया।